जब से जन आधार कार्ड पोर्टल 2.0 आया है तब से ई मित्र कियोस्क बहुत ही ज्यादा परेशान है। और परेशानी की वजह है कि जन आधार कार्ड 2.0 पोर्टल आने के बाद जो पुराना वाला जन आधार कार्ड पोर्टल था उसके ऊपर जो भी सर्विसें हैं, इसके अलावा नए वाले पोर्टल पे जो भी सर्विसें हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही, और ये एक बड़ी समस्या है। और जितने भी ई मित्र कियोस्क हैं वो पहले से ही इसके लिए तैयार रहे कि ये समस्या लगातार बनी रहेगी, अलग अलग प्रकार की समस्या आती रहेगी, एक समस्या का समाधान किया जाएगा तो दूसरी समस्या उसी समय आ जाएगी, इसके अलावा समय समय पे पोर्टल को अपडेट करेंगे, उस समय पोर्टल बंद रहेगा, तो इस बात का भी विशेष करके ध्यान रखना है। तो ये एक लंबा प्रोसेस चलने वाला है जब तक कि पूरा का पूरा पोर्टल यहाँ पे नए पोर्टल पे ट्रांसफर नहीं किया जाता, और उसके बाद भी उस पोर्टल को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं किया जाता तब तक ये समस्या आती रहेगी। जैसे जैसे समस्या आएगी तब तक उसका समाधान किया जाएगा, लेकिन ये समस्या लंबी चलेगी क्योंकि ये अपडेट होने में समय लगेगा, क्योंकि पूरा डेटा एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पे जब ट्रांसफर होता है तो ये समस्या आती ही आती है। तो दोस्तों ये समस्या ई मित्र की उसको लंबे समय तक झेलनी पड़ेगी, और इसके लिए पहले से तैयार रहे। जब भी सर्विस सही काम करे, जब भी आपका पेंडिंग काम है जल्द से जल्द निपटाए, इंतजार ना करे। अगर आप इंतजार करेंगे तो और आगे जाके हो सकता है कि वापस एक दिन के लिए सर्विस बंद रहे, दो दिन के लिए सर्विस बंद रहे, जैसे फिलहाल के एड मेंबर की सर्विस बंद है, करेक्शन हो नहीं रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार की समस्या सभी ई मित्र को आ रही है, और सभी ई मित्र कमेंट कर रहे कि सर क्या करें। तो मैंने एक ही वीडियो में आपको बता दिया है कि समस्या आने का कारण एक है और इसका समाधान क्या है वो आप समझ चुके होंगे। तो ये लंबा प्रोसेस चलेगा, ऐसा नहीं कि 10 दिन में 15 दिन में ठीक हो जाएगा, ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि पोर्टल नया वाला पूर्ण रूप से अपडेट नहीं हो जाता और सही तरीके से काम करने नहीं लग जाता। इसके अलावा जब जन आधार कार्ड पोर्टल अपडेट होगा तो जन आधार कार्ड से जुड़ी अन्य सर्विस भी प्रभावित हो सकती हैं इससे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंशन ईयरली वेरिफिकेशन कर रहे हैं और जन आधार कार्ड के द्वारा जब भी हम खोज करेंगे तो वहां पर डेटा नहीं मिलने की समस्या आ सकती है। साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पे अभी जो हम काम कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखना है चिरंजीवी योजना का स्टेटस, और जैसे ही हम जन आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो कई बार यहाँ पे जन आधार कार्ड नंबर गलत बताते हैं, और ये कि समस्या आने वाले समय में आ सकती है, अभी तो कम है लेकिन जैसे अपडेट होगा और उस समय कुछ समस्या होती है अपडेट करने के दौरान, तो इस प्रकार की समस्या का भी सामना आपको भविष्य में करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहेंगे तो आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसकी वजह से हो रहा है, तो आप पहले से तैयार रहे और ये एक बड़ी समस्या लगातार बनी रहेगी ई मित्र कियोस्क के लिए। तो आप समझ चुके होंगे कि ये समस्या क्यों आ रही है और कब तक बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों और कोई नई अपडेट निकल के आएगी तो उसकी जानकारी भी मैं आपको जरूर दे दूंगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय बाय दोस्तों।